साध्वी प्रज्ञा कौन है, उनका इतिहास क्या रहा है और किस तरह से उन्हें सैफरन टेरर या हिंदू आतंक के जाल में उलझा कर उनके पूरे एक तरह से आप कहें कि युवावस्था को कैसे बर्बाद किया गया, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो अनुपम, पहले तो बैकग्राउंड दीजिए कि साध्वी प्रज्ञा है कौन और आज जो हुआ है उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए, आज तो सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा को आज बीजेपी के दफ्तर पहुंची, वो भोपाल बीजेपी के दफ्तर पहुंच के वहाँ शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, रामलाल मौजूद थे और इन लोगों की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उनके सदस्यता लेते ही ये साफ हो गया था कि वो भोपाल से लड़ेंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ पहले कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में उसी सीट से लड़ेंगे जो सबसे कठिन सीट होगी मध्य प्रदेश की, जहां से जीतने के कांग्रेस के चांसेस कम हो किसी अन्य उम्मीदवार के, इसीलिए दिग्विजय सिंह वहीं से लड़ेंगे। और भोपाल एक ऐसी सीट है जहां 1989 के बाद से अभी तक कांग्रेस कभी आई नहीं है, वहां भाजपा का कब्जा रहा है, तो इसीलिए दिग्विजय सिंह को भोपाल से कांग्रेस ने उम्मीदवारी दिग्विजय सिंह की घोषित कर दी और इसीलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ वहाँ पे कोई मजबूत उम्मीदवार भाजपा को भी चाहिए था और साध्वी प्रज्ञा के रूप में भाजपा को एक अच्छा उम्मीदवार वहाँ पे मिला। इसीलिए इसमें कोई संशय ही नहीं था कि साध्वी प्रज्ञा अगर शामिल हुई है भाजपा में तो भोपाल से उनका लड़ना तय माना जा रहा था लगभग। अब ये बताइए कि एक हिंदू टेरर जो शब्द है जिसे चिदम्बरम ने कालांतर में एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने जानबूझकर इसे भाजपा का जो राजनीति है उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे इस्लामिक टेरर होता है और उस पर हर बार जो हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में ये बोलते रहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, इस तरह की बातें होती, जबकि हम सब जानते हैं कि आतंकी वारदातों का मजहब होता है, उनके झंडे पर क्या लिखा हुआ है एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट उसको बैलेंस आउट करने के लिए हिंदू टेरर हो गया। मतलब या तो आप ऐसे कहते कि नहीं इस्लामिक टेरर नहीं है तो हिंदू टेरर भी नहीं है, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले या सनातन धर्मावलंबी जो हैं उनमें से भी कुछ छिटपुट लोग हैं जो इस तरह के अपराध करते हैं, उनका प्रतिशत हो सकता है इस्लामिक मिलिटेंसी या आतंक जीतता उस तरह का नहीं हो लेकिन होता। उसके बाद एक पूरी ये लॉबी चली और हिंदू टेरर को कांग्रेस के नेताओं ने मंचों से जाकर सार्वजनिक रैलियों में जो है बोलना शुरू किया, उसी का शिकार बने थे कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा। तो हाँ, असीमानंद उन्हें भी बरी किया है हाल ही में और कर्नल पुरोहित पे भी चार्जेस जो है मुझे लगता है एक साल या दो साल पहले हटाए गए। तो साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या क्या हुआ था इस पूरे प्रकरण में वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो जिस समय ये चार्जेस फ्रेम किए गए, जिस समय हिंदू आतंकवाद का ये टर्म क्वाइन किया गया, असल में वो समय दो चीज़ों से उस समय भारत पीड़ित था, एक तो इस्लामिक आतंकवाद जो कश्मीर में रहा ही है शुरू से जो कि अभी भी है, और दूसरा उस समय माओवादी आतंकवाद भी उसे हम कह सकते हैं वो भी काफ़ी बढ़ गया था। तो इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज मीन्स कि इन दोनों को डाउन प्ले करने के लिए इन लोगों ने ये जबरदस्ती का टर्म रखा एक सैफरन टेरर या हिंदू आतंकवाद करके। हमने देखा था कैसे 2008 के मुंबई हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया था, उस आरएसएस की साजिश बताई गई थी उसके पीछे, हालांकि बाद में सिर्फ भारतीय एजेंसियां ही नहीं दुनिया भर की एजेंसियों ने माना कि वो पाकिस्तान ने किया था, ये कोई बच्चा भी छोटा सा बोल सकता है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। उसमें तो जो आदमी मुंबई हमले में प्योर इस्लामिक आतंकी हमले में बोल सकता है कि ये आरएसएस ने किया था वो सत्ता में रहते हुए क्या नहीं कर सकता है, और उनके ही साथी थे पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। तो इन लोगों ने किया क्या कि मकोका लगाया गया था इन लोगों पे, साध्वी प्रज्ञा पे। किसी भी केस में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर उसमें चार्जेस बार बार बदले जा रहे हैं, एक ही चीज़ को हटाया जा रहा है लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब उस केस में दम नहीं है। तो ऐसे हुआ क्या कि मकोका लगाया गया इन लोगों पे, पहले स्पेशल कोर्ट ने मकोका हटा दिया, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका फिर से लगा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मकोका यहाँ यूज नहीं हो सकता। तो इस तरह से अभी यूएपीए के अंतर्गत मामला चल रहा है और साध्वी प्रज्ञा जैसे कुछ और लोग भी उठाए गए। तो मकोका के अंदर ये रूल है कि दो संगठित अपराधों में 10 साल के भीतर जिस पे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वह शामिल होने चाहिए। तो दो संगठित अपराध साबित करने के लिए ऐसे 2-3 ब्लास्ट जो हुए थे उसमें इन लोगों को किया गया, जैसे
मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर दारागाह, हाँ समझौता, ये सारे ब्लास्ट को एक नज़र से देखने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मकोका लगाया जा सके। और चार्जेस क्या थे साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, कि उनका स्कूटर यूज हुआ वहाँ पे, उनका स्कूटर यूज हुआ था उस ब्लास्ट में। और बाद में पता चला, जैसे 2017 हाल ही में जब क्लीन चिट, इन्हें एक तरह से कह सकते हैं, उसे हम क्लीन चिट यूज कर सकते हैं क्योंकि चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, तो वो स्कूटर असल में इन्होंने 2003-04 में ही बेच दिया था, जिस स्कूटर के बेसिस पे ये सारी चीज़ें हुई। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ATS को दे दिए गए थे, उनके वकील ने रेडिफ को इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि जितने भी मटेरियल एविडेंस थे कि उन्होंने स्कूटर बेच दिया था, और स्कूटर का लोन एडवांस में रिपे कर दिया था साध्वी प्रज्ञा ने बेचने से पहले, तो उन सारे का वो सारे कागजात ATS को दे दिए गए। अब यहाँ मामला आता है कि जिन्हें बेचा गया, वो उनका नाम सुनील था, वो संघ के सदस्य थे, उनकी हत्या हो जाती है 2007-08 में। अच्छा। उनकी हत्या हो जाती है, और उनके हत्या का चार्ज किस पे डाला जाता है, साध्वी प्रज्ञा पे डाला जाता है। तो एक आदमी पे नए सिरे से इतने सारे चार्जेस डालना और फिर केस को लगाना और फिर हटाना, तो इससे सीधा पता चलता है कि इस केस में कोई दम नहीं था। और क्या कहा था, कहा गया था कोर्ट में कि ये फरीदाबाद की मीटिंग में शामिल थी विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक एविडेंस, और ये कहा गया कि ये भोपाल में हुई मीटिंग में शामिल थी, और ये मीटिंग कल्प्रिट्स का था, ऐसा बोला गया कि जो भी लोग उनमें दोषी थे वो लोग बैठक थे, और ये दोनों बैठक में इनके शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, और स्कूटर इनका इस्तेमाल हुआ, स्कूटर इन्होंने बेच दिया था, उसके सबूत हैं। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा केस फर्जी था, उसमें लिंक्स जोड़ने के लिए, मतलब जैसे आप एक अच्छी जासूसी कहानी जैसे लिखना चाहें तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक एंड बना लेते हैं कि एंड में क्या होगा, और उसके बाद हम उस एंड से मतलब सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं, उसके बाद हम तार जोड़ना शुरू करते हैं कि उसके बाद इससे तार जोड़ा जाएगा इससे, और उसके बाद बाकी कथानक जो है वो लिखा जाता है। तो उसी तरह पुलिस ने शायद गृह मंत्रालय की शाह पर और कांग्रेस की शाह पर, जिसको पावर किसी भी हालत में चाहिए थे, और उनके लिए हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है ड्रमअप करना बहुत ज़रूरी था, और हिंदू टेरर का नैरेटिव इसलिए भी ड्रमअप करना ज़रूरी था क्योंकि पिछले कुछ सालों में इनका मुस्लिम जनाधार जो है वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि उधर सपा आ गया है, बसपा आ गया, और UP जो कि डिसाइड करता है कि सत्ता में कौन जाएगा केंद्र में, तो वहाँ से जब ये मुस्लिम वोट्स को लूज करने लगे तब इन्होंने इस तरह के टर्म्स जो है कॉइन करने लगे। अब मैं फिर आप ही का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि आपने लिखा है कि किस तरह के टॉर्चर जो किए, जैसे मैंने, मुझे याद है कर्नल पुरोहित के बारे में कहा जाता था कि उसकी माँ को, उनकी पत्नी को मतलब नेकेड होके परेड कराएंगे तुम्हें, और उनके चारों मतलब हाथ पैर को चार तरफ से लेके खींचा जाता था, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं इस तरह की यातनाएं जो है, इसको आप मतलब किसी भी हिसाब से जस्टिफाई नहीं करते। उसी तरह प्रज्ञा के भी साथ हुआ, और वो बताइए आपकी। देखिए टॉर्चर तो सभी के साथ लगभग किया गया, सभी को टॉर्चर किया गया, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का केस थोड़ा सा अलग इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो एक महिला थी, वो एक यंग महिला थी, और इसीलिए एक यंग महिला, एक महिला के साथ कुछ अलग नियम कायदे होते हैं कि उनसे पूछताछ कौन करेगा, उनको पकड़ने कौन जाएगा, उनकी तलाशी ली जाएगी, कुछ भी ली जाएगी, तो वो क्या होगा, ये सिंपल सा, ये कॉमन सेंस है और ये रूल भी है, तो उनके सामने ऐसा, उनके लिए ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया। उनको पुरुष कैदियों के साथ, मेल कैदियों के साथ जेल में रखा गया, और जेल में वहाँ उन्हें आपत्तिजनक पॉर्न टाइप के वीडियोज देखने को कहा गया, और उन्हें कैदियों के साथ देखने को कहा गया। तो ऐसे ही एक काला चौकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ कोई एक कैदी था जो ट्रायल से गुजर रहा था, उससे ये सब देखा नहीं गया, तो उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सेम ये फिल्मी कहानी है, आपने बोला उपन्यास का है, तो ये वही है लगभग। तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पीटा गया, उस व्यक्ति को वहीं पे थाने में ही पीटा गया, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे साध्वी प्रज्ञा को, और 5-6 ऐसे पुलिसकर्मी थे जो हमेशा रखे जाते थे इनके आसपास, जैसे इनको केवल टॉर्चर करने के लिए, और वो 5-6 उनकी ड्यूटी यही होती थी कि इन्हें सोने ना दें, इन्हें ज़्यादा सोने ही ना दें, और फिर इन्हें अब्यूज़ करें फिजिकली, वर्बली, ओरली, जैसे भी कर सकते हैं वैसे अब्यूज़ करें इन्हें। और होता क्या था कि साध्वी प्रज्ञा तो नहीं, वो 5-6 टॉर्चर करने वाले लोग थक जाते थे, वो पुलिस वाले थक जाते थे, फिर उन्हें बदल दिया जाता था, उनके बदले 4-5 नए पुलिस वाले आ जाते थे,
और इसी तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, उसके बाद इन्हें मेल कैदियों के साथ रखा गया, इस तरह से इनके साथ बहुत सारे टॉर्चर वाली चीज़ें। इसको इनकी एंट्री पॉलिटिक्स बन गई है, और हम जानते हैं कि भाजपा जो है वो प्रो हिंदू का, हिंदू का वोट इन्हें मिलता है, और जैसा कि आपने बताया कि भोपाल जो है भाजपा का गढ़ है, तो अब इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के लिए ये चैलेंज होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार तो अपनी बना लिया किसी तरह से। तो ये संक्षेप में बताइए कि ये किस तरह से साध्वी प्रज्ञा, एक तो ये नैरेटिव इनके पीछे है कि उनको फंसाया गया सर, दूसरा यह कि पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश थी और ये स्वीकारा गया, ये कोई मैं बना कर नहीं बोल रहा हूँ। तो इसको देखते हुए आप किस तरह से देखते हैं कि क्या दिग्विजय सिंह सिर्फ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं इस कारण वो टक्कर दे पाएंगे, या भोपाल जो है भाजपाइयों का गढ़ रहा है तो इस कारण जो है वो जीतने के आसार उनके ज़्यादा? देखिए, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ एक दो चीज़ें हुई है जो विधानसभा चुनाव के बाद बदली है। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग वो अपना चौथा टर्म वो शुरू करने वाले थे, क्योंकि इस तरह की कोई ज़्यादा मार्जिन से जीत हार हुई नहीं है, इसीलिए इसे हम जनता का रुख कोई भापा नहीं जा सकता कि ये कांग्रेस के तरफ ही है। और दूसरी बात, जिस तरह से मैच्योरिटी का परिचय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ दिया है, जैसे वो अपोजिशन के उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, उन्होंने हाथ उठा के वहाँ से, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्टेट्समेंट दिए, तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी मैच्योरिटी का परिचय दिया है। और भोपाल 1989 से ही भाजपा का गढ़ रहा है वहाँ पे, और कांग्रेस वहाँ पे हमेशा से कुछ कैंडिडेट ऐसा देना चाहती थी जो कि टक्कर दे सके भाजपा को, क्योंकि उमा भारती से के वहाँ से लड़ने के आसार लगाए जा रहे थे दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के बाद। तो उमा भारती ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने भोपाल के 4-5 लोकल नेताओं के नाम लिए थे और कहा था कि मैंने तो अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया 2003 में इन्हें हरा कर, और भोपाल के जो 4-5 लोकल नेता हैं वो भी दिग्विजय सिंह को वहाँ से हरा सकते हैं। और दिग्विजय सिंह चूंकि राजघराने से आते हैं, 10 साल वहाँ के CM रहे हैं, तो वहाँ उनका प्रभाव अच्छा है, ये मानने में कोई शक नहीं है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि कमलनाथ ईगो का टकराव था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच, इसीलिए कमलनाथ चाहते थे कि ये कुछ ऐसी सीट से लड़े जहाँ से उनकी हार तय हो जाए। तो ये 3 ईगो के टकराव हैं यहाँ पर, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को UP भेज दिया गया, UP का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया प्रियंका गांधी के साथ, मध्य प्रदेश से हटा दिया गया उन्हें, और यहाँ बच गए दिग्विजय सिंह, तो उनको यहाँ भोपाल से लड़ाया जा रहा है, और कमलनाथ वहाँ मध्य प्रदेश में एक छत्र गोभक्त कमलनाथ अपना वहाँ पे राज करेंगे। तो भोपाल के समीकरण की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल में सक्रिय रही हैं पहले भी, वो अलग बात है। 9 साल बहुत कम ऐसे केसेज में भारत में हुआ है, इस तरह के केसेज में किसी को 9 साल तक जमानत से वंचित रखा गया हो, गंभीर से गंभीर अपराधों में भी जमानत मिली है, और कैसे कैसे लोगों को जमानत मिली है वो हमने देखा है। और ये जिसमें कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए, जिसमें ATS को NIA ने झूठा बोल दिया, जिसमें कोर्ट में चार्जेस आए गए, उस तरह 9 साल जमानत से वंचित रखा गया। और साध्वी प्रज्ञा भोपाल में पहले भी सक्रिय रही हैं, और वहाँ उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी हैं, और वो एक महिला भी है, और उनके खिलाफ जितना भी ये प्रताड़ना, हालांकि बहुत सेंटिमेंट्स उनके फेवर में हो गए, इसीलिए ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है भोपाल का। चलिए दोस्तों, इसी तरह के और भी डिस्कशंस हम करने की कोशिश करेंगे अपने न्यूज़ रूम से, ताकि इस तरह के मुद्दों से हम आपसे एक एक इनफॉर्मल वे में मिलते रहें, और इस तरह के वीडियो से जो दिन भर की कोई खबर होती है इस तरह की, तो हम लोग अपने दोस्तों एडिटर्स के साथ बैठ के अपने विचार रखेंगे और आप तक जो है तथ्य आंकड़े या जो भी एक एक नज़रिया जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं फिर से दोबारा किसी फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे इसी तरह से। नमस्कार। नमस्कार।